इलाहाबाद में हर्ष फायरिंग का विरोध करने के दौरान दूल्हे की मौत हो गई। मामला धूमनगंज इलाके का है, जहां तिलक समारोह के दौरान हुई कहासुनी में दोस्तों ने अपने दूल्हे दोस्त को गोली मार दी। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की मौत हो गई। परिजन हत्या के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। जी ऐसा है कि आज मेरे लड़के की बारात थी, लेकिन आज उसकी अस्थि जा रही है मेरे घर से। लिहाजा मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे लड़के के साथ हुआ है उसको मुझे पूरा इंसाफ चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने राहुल भारतीय को गोली मारने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शादी से रिलेटेड पार्टी थी, उसी में उसके पड़ोसी लोग आए हुए थे। पड़ोसी जब आए हुए थे, जब वहाँ डांस वगैरह हो रहा था, तो इसमें उसके पड़ोसी में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद होने के बाद जिन लोगों द्वारा गोली मारी गई है उनके पिताजी को अपमानित किया गया, तो वहाँ से अपने घर चले गए। तो घर से जब वापस आए, उनके साथ में ये जो भी गिरफ्तार किए गए कालू सोनकर एंड बाबा सोनकर, उनको तमंचा लेकर उन्होंने उस पर फायर कर दिया। फायर करने के बाद उसके सर में गोली लगी। वर्तमान में आपको बता दें कि राहुल की बारात 18 फरवरी को जानी थी, लेकिन लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गईं। जहां एक तरफ घर में खुशियों का माहौल था, वहीं दूल्हे की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। इलाहाबाद से सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी।